दक्षिण के दिग्गज नेता को नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। दुनिया को अलविदा कह गए करुणानिधि के अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। तमिलनाडु ही नहीं, देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। वो एक महान नेता थे, तमिलनाडु की राजनीति को उन्होंने बहुत प्रभावित किया। पीएम मोदी ने चेन्नई पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी समेत साउथ के बड़े बड़े नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए चेन्नई पहुंचे। शोक में डूबे समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल था। करुणा के परिजन और बड़े नेताओं की आंखों से भी आंसू छलक रहे थे। बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे, 60 साल से भी ज्यादा वो पॉलिटिक्स में रहे और देश की सेवा किए। मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक साथ हजारों समर्थक जब अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे तो अफरा तफरी मचने लगी। हंगामा रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिससे कई समर्थकों को चोटें भी आईं। करुणा निधि के बेटे स्टालिन माइक लेकर समर्थकों को समझाते नजर आए। चेन्नई में एक तरफ जहां लाखों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ सारे बाजार बंद और सन्नाटा पसरा हुआ था। अंतिम संस्कार से ठीक पहले करुणा निधि की समाधि को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और ये तय हुआ कि उनकी समाधि मरीना बीच पर जयललिता की समाधि के पास ही रहेगी।